हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी आई एकेडमी एस अकेडमी आज के कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स में जिसमें से मेन टॉपिक्स हैं हमारे वन गुजर्स यूरोपा क्लीपर स्पेस क्राफ्ट मेडल एफ पी आई फूड प्राइस इंडेक्स एंड द नेक्स्ट वन इज पी एम दक्स एंड देन कार्बन बोर्डर टेरिफ सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मूव टू आर फर्स्ट टॉपिक वन गुजर्स इसमें बेसिक पॉइंट्स है कुछ कि ये एक नोमेडिक कम्युनिटी है नोमैडिक कम्युनिटी नोमैडिक मींस जो फूड फोडर के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं एंड दिस कम्युनिटी रिसाइड्स इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयन स्टेट्स विच आर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश एंड जे एंड के Why they are in news? Because they are now facing displacement because of Wildlife Protection Act, 1972. The government is implementing some conservation projects. Because of that, they want the, these one Gujars to move away from their forested areas to other places. They are known for their transhumance. Transhumance means migration from one place to other place. For food fodder in one season to other season. Generally, they migrate from one to the Bugyals. Bugyals means grasslands located in the upper Himalayas during the summer season to feed their cattle. With this, we move to our next topic. Our next topic is Europa Clipper Spacecraft. Europa is an icy moon of planet Jupiter. जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो याद करने वाली है जुपिटर यूपीएससी में इस प्लेनेट को चेंज कर सकते हैं सेटरन से सो so, यहां पे याद रखना है कि यूरोपा आईसी मून है जुपिटर प्लेनेट का ये आईसी मून इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस आइस की क्रस्ट के नीचे एविडेंसेज है लिक्विड वाटर मिलने के जहां पे भी लिक्विड वाटर मिलता है वो हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हैबिटेबल जोन्स पे फोकस किया जाता है इससे रिलेटेड एक की टर्म है जिसको गोल्डीलॉक्स जोन्स बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन्स, हैबिटेबल प्लैनेट्स और मून्स ये एक डिस्टेंस ऑप्टिमम डिस्टेंस है ए, सन से जहां पे वाटर पाने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे जोन को हम गोल्डी लॉक्स जो कहते हैं और ये माना जाता है कि यूरोपा जो मून है जुपिटर प्लेनेट का वो गोल्डी लॉक्स जोन में फॉल करता है जिसकी वजह से वहां पे पानी मिलने के चांसेस ज्यादा है और फ्यूचर में ये लाइफ को सपोर्ट कर सकता है दैट्स वाई इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट यूरोपा क्लीपर स्पेस क्राफ्ट इट इज ए मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपा is a mission of european space agency and europa is moon of the planet jupiter and it is important because it holds salty water the ultimate aim of the europa clipper is to determine if it uh, is it habitable or not it is not the present mission it will be launched by the nasa in 2024 and supported by european space agency नेक्स्ट टॉपिक इज बोल्टमैन मेडल बोल्टमैन ये एक स्टेटिस्टिक्स फिजिक्स में दिया जाने वाला अवार्ड है 1975 में ये स्टार्ट किया गया था एंड दिस इज इन न्यूज बिकॉज इंडियन ओरिजिन मिस्टर दीपक धर इज ए साइंटिस्ट हु इज ए फिजिसिस्ट एट आईसर पुणे वोन दिस अवार्ड दिस ईयर दिस अवार्ड इज गिवन बाय जनरली रिप्लेस कर दिया जाता है किसी दूसरे फैक्ट से कमीशन ऑन स्टेटिस्टिकल फिजिक्स को कुछ यहां से रिप्लेस कर सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए सो दीज फैक्ट बिकम इंपोर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी परसपेक्टिव सो दैट you will not get confused when you get the questions in the prelims uh, uh, paper it is given in the field of statistical physics initiated in 1972 first time it was awarded to nobel laureate kg wilson kg wilson in 1982 with this we move to our next topic it is food price index ये इंडेक्स है फूड प्राइसिस का फूड प्राइसिस कौन से फूड इट इंक्लूड्स फाइव कैटेगरीज ऑफ फूड फाइव कैटेगरीज ऑफ कॉमोडिटीज एंड फाइव कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरीज है हमारी सीरियल्स वेजिटेबल्स मीट डेरी एंड द सुगर ये पांच कैटेगरी ऑफ कॉमोडिटीज है उसके प्राइसिस को इंटरनेशनल लेवल पे ये इंडेक्स कैप्चर करता है ये एक मंथली इंडेक्स है इसका मेन टारगेट है कि हंगर को कैसे टारगेट किया जाए कि हंगर को खत्म करने में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है वेदर इंक्रीजिंग प्राइसेस इज वन ऑफ देम और नोट इट इज पब्लिश्ड बाय एफ फ़ूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यह भी एक स्टेटमेंट आ सकता है इट इज वन ऑफ द यूएन यूएन की पंद्रह स्पेशलाइज एजेंसीज हैं जिसमें से एक एफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक है उनमें से फूड प्राइस इंडेक्स 2014-16 चौदह बेस ईयर को कैप्चर करता है उसके रिलेटिवली प्राइसिस को शो करता है तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रखने वाले हैं फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज बाय फाओ स्पेशन बेस ईयर इज टू थाउजेंड फोर्टीन सिक्सटीन इट कैप्चर्स फाइव कमोडिटीज ग्रुप्स दिस बिकम्स क्लियर एंड नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक पीएम दक्ष मींस स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे मेन पॉइंट जो है वो है कि मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है मिनिस्ट्री है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नाइंटी नाइन परसेंट केसेस में ये स्कीम कंफ्यूज करने वाले स्टूडेंट्स क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एम एस डी ई सो द मेन पॉइंट हेयर इज टू रिमेंबर दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वट इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स स्किल डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देन स्टाइफंड ड्यूरिंग द स्किल डेवलपमेंट फ्टर दैट सर्टिफिकेशन स्टाइफन एंड सर्टिफिकेशन देन ऑपरचुनिटी फॉर जॉब इन सब एस्पेक्ट को यह टार्गेट करता है पीएम दक्ष एंड द मेन पॉइंट अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्यू स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड विद द स्कीम आर दिस इज स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम अप स्किलिंग री स्किलिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशियल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एज वी डिस्कस फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट स्टाई फंड कंप्लीस सर्टिफिकेट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन बोर्डर टेरिफ यूरोपियन यूनियन द्वारा इंपोर्टेड पोल्यूटिंग कुछ पोल्यूटिंग गुड्स पे इंपोर्ट पे लगाया जाने वाला टैक्स है पोल्यूटिंग गुड्स कौन सी हैं जिन पे ये कार्बन बॉर्डर टैरिफ लगाया जाता है यूरोपियन यूनियन द्वारा उनमें से मेन है स्टील सीमेंट फर्टिलाइजर एल्यूमिनियम एंड द इलेक्ट्रिसिटी ये सेट ऑफ गुड्स को याद रखना जरूरी है हो सकता है कि स्टेटमेंट में इन सबको रिप्लेस कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए so it becomes necessary to remember all these goods steel cement fertilizers aluminum and electricity who implements this european union this is a tax on the polluting goods why because polluting goods results in the emission of carbon dioxide in the atmosphere and because of weaker environmental laws their goods becomes more cost competitive when they are imported in the यूरोपियन यूनियन एंड बिकॉज ऑफ चीपर इम्पोर्ट ऑफ गुड्सोमेस्टिकेट हर्टेड सो दिसम डेट प्रोटेक्टिंग यूरोपियन इंडस्ट्री फ्रॉम बींग अंडरकट बाई चीपर गुड्स इन द कंट्रीज विथ वीकर एनवायरमेंटल रूल्स थैंक यू फ्रेंड्स आज के लेक्चर के लिए आई होप आपने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा भी होगा और कुछ एक डाउट्स अगर आपके होंगे आप कमेंट करके बताइए वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू